बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परसों जो लोकसभा के अंदर एक बिल आया सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से, जिस तरीके से केंद्र की सरकार भाजपा और गृह मंत्री जिस तरीके से अपना वक्तव्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 6 जो कास्ट है, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 राज्यों में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक हिंदू है, उनको दर्द होता है कि भाई अगर इन पर काटने गए तो ये हिंदुस्तान को सदस्यता देगा, मगर उसमें मुस्लिम को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया। देखने जैसी बात है कि फंड जब क्या बोलते हैं आरक्षण देने की बात आती है तो देश की हर अदालत, हर पार्लियामेंट, हर असम्बली ये कहती है कि धर्म के नाम पर हम आरक्षण नहीं देंगे। जब धर्म के नाम पर आप आरक्षण नहीं देते हैं तो फिर धर्म के नाम पर ये भेदभाव क्यों, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का भेदभाव क्यों, NRC में भेदभाव क्यों? जिस तरीके से केंद्रीय सरकार ये कहती है कि भाई 3 देशों के अंदर जो हिंदू प्रताड़ित है उनको हम देश के अंदर लेंगे, क्यों श्रीलंका के हिंदुओं की आपको फिक्र क्यों नहीं, चीन के हिंदुओं की आपको फिक्र क्यों नहीं? तो ये सारी चीज़ें देखने लायक है कि भाई हिंदुस्तान की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो RSS के नक्शे कदम पर चलती है, ये देश के अंदर विभाजन का एक नया पैतरा अपना रही है, देश में हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है, ये देश के लिए घातक है और देश की सभ्यता के लिए घातक है, आज के संविधान के लिए घातक है। जिस तरीके से देश का संविधान सारी धर्म, सारी जातें, सारे लोगों को न्याय देने के लिए देश का संविधान है, ये देश की जो सरकार है ये संविधान के विरोध है, Article 14 के विरोध है, देश के हर नागरिक के विरोध है। ये देश के अंदर जिस तरीके से आज देश के अंदर आर्थिक बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें बढ़ी है, इसको छुपाने के लिए देश के अंदर ऐसे बिल ये सरकार ला रही है। हम इस सरकार का निषेध करते हैं, ये बिल का निषेध करते हैं। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूथ लीग, आज कलेक्टर को एक निवेदन देकर हमने ये एहतजाज जताया है कि हम इस बिल के खिलाफ है, और देश का पूरा मुसलमान नहीं बल्कि देश का हर नागरिक इस बिल के खिलाफ में है। ये बहुमत के आधार पर ये बिल पेश कर रहे हैं, बहुमत के आधार पर ये बिल साबित कर पास करवा ले रहे हैं, मगर ये 2 नेशन की जो राजनीति है, ये जो भारतीय जनता पार्टी 2 नेशन की जो राजनीति कर रही है, ये देश के लिए घातक है, देश आने वाले दौर के लिए घातक है। देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों में जो तफावत दे रही है ये सरकार डाल रही है, इसका हम निषेध करते हैं, और देश की सभ्यता बचाने के लिए देश के हर नागरिक ने इस बिल के खिलाफ आना चाहिए, देश के मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ में, देश के हर नागरिक ने, देश के हर जो अमन पसंद नागरिक है इस बिल के खिलाफ आना चाहिए, और आगे भी ये लड़ाई आगे तक कायम रहेंगी। ऐसी मैं आज इस निवेदन के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद।